हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 12.1 के बाद अब बारी आती है एक्सरसाइज 12.2 की। एक्सरसाइज 12.1 में हम लोग एनसीईआरटी के पांचों क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखे। अब 12.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये मेंसुरेशन का थर्ड वीडियो होने जा रहा है और एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कहेंगे तो आपका सेकेंड वीडियो है। अगर आप पहले इसकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ हमने लिख रखे हैं बोर्ड पे ऑलरेडी ताकि टाइम बचे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। क्या क्या गिवन है? फाइंड द एरिया, एरिया हमें निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस है 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री, यानी थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। और अगर आपको फार्मूला याद है जो पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6, तो हो जाएगा 6 × 6। थीटा की वैल्यू 60/360। अब इसको सॉल्व कर ले हम लोग, तो इससे ये 6 टाइम में कट जाएगा और ये 6 से कट गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 22 का 6 में, तो 132/7 और एरिया है ये, तो यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा सलूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर अगर चाहें तो डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 × 7 = 6 × 2 = 7 × 8 = 56, 6 रिमाइंडर बचा, फिर 8 टाइम्स, ऐसे ये जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब आप इसको लिखना है तो लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन पर। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फार्मूले वही यूज हो रहे हैं जो कि हम लोग पहले एक्सरसाइज में देख चुके हैं, कोई नया फार्मूला नहीं है, इसलिए हम कोई फार्मूला भी नहीं बताएं। जो पिछली वीडियोज में फार्मूला हमने बताया है वही सारे फार्मूला यहाँ भी यूज होने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस दिया एक सर्कल का 22 सेंटीमीटर, यानी 2πr = कितना है? 22। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7 × r = 22। 22 से 22 वन टाइम्स में कट गया, 7 इधर का इंटू हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो r = 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं? तो जब सर्किल के 1/4 पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जिसमें एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप सेक्टर लेके लगाएं या सर्किल का 1/4 पार्ट लेकर लगाएं, दोनों ही से हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सर्किल का 1/4 होता है तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2। इसको आप सॉल्व कर लें तो 7 से कट गया 7 2 से कट गया 11, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, 11 7 = 77, अब 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस फार्मूले पे वैल्यूज पुट कर रही हैं, आंसर निकल आ रहे हैं। ठीक है, आप पॉज करके लिख लीजिए, हम लोग चल रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, अगर ये वॉच एक तरह का, तो कुछ ऐसे यहाँ पे टाइम होता है। ठीक, 5 मिनट में मिनट हैंड
मिनट हैंड का लेंथ दिया है, यानी ये क्या है, सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस इक्वल्स टू आप 14 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में कितना एंगल बन रहा है पहले ये हमें फाइंड आउट करना होगा। जब वॉच पूरा 60 डिग्री रोटेट होती है, मूव करती है 60 मिनट, एक रिवॉल्यूशन लगाती है, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, मिनट हैंड की बात हो रही है, तो वॉच के मिनट हैंड के द्वारा एक रिवॉल्यूशन में 60 मिनट होता है, जब पूरा एक रिवॉल्यूशन हो जाता है, और एक रिवॉल्यूशन में एंगल्स कितने होते हैं, तो 360 डिग्री। तो यहां पे कितने मिनट की बात कर रहा है, 5 मिनट का, तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया 360 बाई 60, देन 5 मिनट इक्वल्स टू 360 बाई 60 इंटू 5, ये 6 टाइम्स कट गया, 6 इंटू 5 यानी 30 डिग्री, यानी जो 5 मिनट जो घड़ी घूमी है हमारी मिनट वाली, उसमें वो एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो हमारा थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। अब हमें उस सेक्टर का एरिया निकालना है, सपोज करिए मिनट हैंड यहाँ पे थी और अब यहाँ पे पहुँच गई है, तो ये हमारा एंगल दिया है आपका 30 डिग्री, तो एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, ये हमारा कुछ आंसर हो गया, जो 5 मिनट में इतना एरिया वो स्वेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, हम लोग देख रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एंड राइट एंगल यानी 90 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, ये हमारा सर्कल है, ये सपोज करिए कि ये आपका उस सेक्टर की बात करें जिसका एंगल 90 डिग्री है, रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है और वो इस सेगमेंट की एक बार बात कर रहा है, एक बार पूरे सेगमेंट की बात कर रहा है। तो जब भी सेगमेंट का एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इस पूरे सेक्टर से, ये पूरा सेक्टर हुआ हमारा ओ ए और बी सी, ये पूरा जो हमारा एक सेक्टर है, उस सेक्टर से अगर हम लोग ओ बी ए सी ट्रायंगल के एरिया को घटा देते हैं तो हमारा सेगमेंट का एरिया निकल जाता है, फार्मूला भी वही होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट लिख लीजिए यहाँ पे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है माइनर सेगमेंट का, ये हमारा सेक्टर का एरिया हो गया और ये ट्रायंगल का, सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को घटा देते हैं तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाता है। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए आप, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू 10, थीटा की वैल्यू 90/360 माइनस 1/2 आर की वैल्यू 10 इंटू 10, साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक अभी तो पढ़े नहीं है तो उसमें कुछ वैल्यूज होती है जो आपको याद रखनी होती है, साइन 30 1/2, साइन 0 0, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उस वैल्यू को रख दें हम, ये कट गया आपसे 4 टाइम्स में, ये कट गया, ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए 550/7 माइनस
टू से कट गया फाइव टाइम्स में, तो इफ इंटू 50 सॉल्व कर लेंगे आप, 350 200 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ओके, एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑल्सो. इसमें हमें क्या करना है, मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकालना है. ओके ओके स्टूडेंट, हियर वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14. अगर क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया वही पुट करना है, तो यहाँ पे हम 22/7 ना रखकर 3.14 रखेंगे. ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे. तो ये हो जाएगा आपका 3.14. अब हमें क्या करना है, मेजर सेगमेंट. मेजर सेगमेंट यानी ये क्या हुआ, ये पूरा पार्ट, ये पूरा, ये तो सर्किल में से अगर इस पार्ट को घटा दें माइनर सेगमेंट को, तो हमें मेजर सेगमेंट निकल जाएगा. तो अब लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 माइनस माइनर सेगमेंट कितना आया, 35. सॉल्व कर लीजिए, 314 माइनस 35, आंसर आपका आ जाएगा 279 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. आप जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट द सॉल्यूशन. ओके, सो दैट वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 12.2. फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन स्टेट्स. क्वेश्चन 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एन आर्क सस्टेन्ड एंगल 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट. दीज थिंग्स वी हैव टू फाइंड. ओके, तो अगर हमें फार्मूले याद हैं तो देन वी कैन पुट द फार्मूला एंड वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन इजिली. लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू 2πr θ/360. ओके, ये फार्मूला होता है लेंथ का. यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले हम, 2π 22/7 आर, 2θ 60/360. सॉल्व कर लीजिए, 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, ऊपर आपका हो गया 44/21 सेंटीमीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क. एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. सो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, पाई 22/7 आर, 2θ/60. नाउ सॉल्व, दिस इज द आल्सो सेम 44/21 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर. नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट एंड दिस इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. जस्ट रिमेंबर द फार्मूलाज, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजिली. ओके, पाई 22/7 आर, 2 × 2 थीटा 60/360 माइनस 1/2 आर, 2 × 2 साइन थीटा यानी साइन 60. ये वैल्यू अभी हम लोग सॉल्व किए, कितना आया 44/21, ये 2 से 2 कट गया यानी 2. साइन 60 की वैल्यू में अभी बताया √3/2 होता है, तो ये 2 से 2 कट गया. ठीक है, अब ये हो गया आपका 44/21. सॉल्व कर लीजिए इसको, 2.44/21, 22 2 जा 42, 2 बचा 0
1.1 समथिंग जाएगा, माइनस रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा पूरा क्वेश्चन का। तो आप इसको भी पॉज करके लिख लीजिए। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6-7 देखते हैं हम लोग। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 वो हमने नहीं लिखा है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, एकदम सेम उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या निकालना, बस माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालना, और इसमें हमें लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर और माइनर सेगमेंट निकालना, तो इसमें बस माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालना है। तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, ओके, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन फील फ्री टू आस्क मी, आई विल टेल द सोल्यूशन ऑफ ऑल दैट क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सस्टेन एंड एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। दिस इज द सेम वे, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दिस क्वेश्चन हैज बीन डिलीटेड दिस ईयर बाय CBSE। क्वेश्चन बेस्ड ऑन 120 डिग्री ऑफ द सेंटर एंगल इज डिलीटेड नाउ, सो वी डोंट हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। वॉट क्वेश्चन नंबर 8 इज, A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Okay? कह रहा है कि एक घोड़ा, मैंने यहाँ पे हॉर्स लिख दिया है, फिगर बुक में दिया हुआ है, मैंने ही बना पाया, हॉर्स लिख दिया। कह रहा है कि एक हॉर्स बंधा हुआ है एक 5 मीटर लंबे रस्सी से और एक 15 मीटर स्क्वायर फील्ड में, ठीक है। तो कह रहा है कि एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस, तो हमें वो एरिया निकालना है जिसमें घोड़ा घास खा सकता है। तो अगर ये बंधा हुआ है तो इधर आएगा तो ऐसे आ सकता है और इधर जाएगा तो ऐसे जा सकता है, ठीक है। यही पार्ट का वो घास खा सकता है, इसके आगे वो जा ही नहीं सकता है तो उधर खा भी नहीं सकता है, ठीक। 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, ऐसे ही वो जा पाएगा। तो एक ऐसा सेक्टर बंधा है जिसमें एंगल क्या है, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है। तो सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर एक ऐसे सर्किल की बात करें तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, 5 मीटर, क्योंकि लॉन्ग रोप क्या है, 5 मीटर, ओके, और एंगल 90 डिग्री। तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, पहले का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक। पाई यहाँ पे 3.14 ले जाना है आपको, आर की वैल्यू 5 है, थीटा की वैल्यू 90 है, 90 से 4 टाइम्स में कट गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 85 बाई 4, कितना यूनिट क्या होगा आपका यहाँ पे, मीटर। 85 बाई 4 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगा जिसमें घोड़ा घास खा सकता है। अब इसको अगर चाहें आप डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। एक मिनट, कैलकुलेशन एक बार चेक कर ले हम लोग, 3.14 में 25 से मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20 5 1 जा 5 टू 7 5 3 जा 15, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 2 8 0 5 8 7, ये तो वैल्यू है, ये आ रही है आपकी 78.50 बाई 4। अब इससे डिवाइड कर दीजिए तो 19.625, 4 से डिवाइड कर लीजिए 1 9 6 2 5, तो ये हमारा आया इतना मीटर स्क्वायर। ये है वो एरिया ऑफ द फील्ड जिसमें घोड़ा 5 मीटर रस्सी से अगर बंधा है तो घास खा सकता है, ठीक। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि अगर उस रोप को 5 मीटर से 10 मीटर लंबा कर दिया गया तब
कितना ज़्यादा इंक्रीज होगा फील्ड में जिसमें वो घास खा सकता है। अब वो रोप यहाँ पे आ गया 10 मीटर पे, तब वो इधर पूरा ये स्ट्रिप करेगा एरिया। तो लिख लीजिए सेकेंड पार्ट, व्हेन रोप इज 10 मीटर लॉन्ग तब एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी 10 × 10 थीटा यानी 90/360, ये फोर टाइम्स में कट गया। ठीक, सॉल्व करेंगे 314/4 डिवाइड कर लीजिए, 4 × 7 = 28, 3 × 4 = 78, 23 × 4 = 34, 8 × 2 = 5 मीटर स्क्वायर। ये एरिया जब 10 मीटर है तब, तो अब इसमें हमें इंक्रीज निकालना है, इंक्रीज इन एरिया। तो क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करिए आप 78.500 लिख लीजिए और 19.625 लिख लीजिए, 10 में से 5 जा 5, 9 में से 2 जा 7, 14 में 6 जा 8, 17 में से 9 जा 8 और 6 में से 1 जा 5, यानी 58.875 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जो बढ़ जा रहा है जिसमें अब घोड़ा घास खा सकता है। ठीक है, पहले वो 19.625 मीटर स्क्वायर में खा रहा था, अब इतने में खा रहा है, तो कितना बढ़ गया, तो इतना इंक्रीज हो गया उसका फील्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 8 तक ही, क्योंकि अगर और क्वेश्चन देखेंगे तो लंबी हो जाएगा वीडियो। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी क्वेश्चन, जिसमें अभी हमें 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये 6 क्वेश्चंस और देखने हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, इस पर बेस्ट क्वेश्चन और भी सॉल्व करिए आरएस अग्रवाल से। कहीं से भी अगर डिफिकल्टी आती है तो प्लीज़ बताइए हमें, ताकि आपके डाउट्स को हम क्लियर कर सकें और आप अच्छे मार्क्स ला सकें। आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।